इस देश की मनुवादी व्यवस्था से बनी हुई सरकार बहुजनों के अधिकारों से हकमारी करती है और करते आ रही है। संविधान ने अधिकार दिया था कि इक्वलिटी के तरफ लोग बढ़ रहे हैं, समानता धीरे धीरे पाने के लिए एक जो आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए वो मिल रही थी, उसको ये खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आज इस प्रेस वार्ता में आप सब आए और आज बहुत ही संक्षेप में एक पोस्टर रिलीज कर रहा हूं। ये पोस्टर देख लीजिए। पहले न्याय अधिकार महासम्मेलन रामलीला मैदान 6 और 7 दिसंबर को है, 2 दिन का कार्यक्रम है और कई महत्वपूर्ण इसमें मसले उठेंगे। देश के विभिन्न प्रदेशों से कई सामाजिक संगठन अपने झंडे बैनर के तले रामलीला ग्राउंड में 6 और 7 तारीख को एकत्रित होंगे। कई महत्वपूर्ण मांग है, मैं ये बताऊंगा आपको, लेकिन हमारे साथ अभी 2 खास मेहमान भी हैं। सौमेंद्र है मेरे बगल में बाएं साइड में और रामाशंकर बैठे हैं मेरे दाहिने साइड में। दोनों आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि आखिर क्या कार्यक्रम है और क्यों कार्यक्रम है, लेकिन मोटा मोटी जो प्रमुख मुद्दे हैं मैं आपको हाईलाइट में बता देता हूँ। एक तो जाति जनगणना का है, दूसरा EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, जो हायर जुडिशियरी है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो SC ST OBC का, सफाई कर्मचारी का जो ठेकेदारी प्रथा है Class 3 या Class 4 में, खासतौर से जो कॉन्ट्रैक्चुअल और हायर कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग और ये सब तमाम जो कर रहे हैं, ठेकेदारी बंद हो और उसको परमानेंट सरकारी नौकरी दिया जाए। जो गवर्नमेंट की ठेकेदारी है, जितनी ठेकेदारी होती है उसमें बहुसंख्यक की हिस्सेदारी हो, फसलों की MSP जो लागत मूल्य और महंगाई जोड़कर तय हो और दिल्ली के नौकरियों में 1993 का जो डोमिसाइल है वो हटाया जाए, क्रीमी लेयर का मानदंड बदले और ख़ास तौर से EWS आने के बाद ये क्रीमी लेयर OBC में सेम EWS और OBC का वो एक तरह से तर्क संगत नहीं है, वो हटाया जाए उसको, और आदिवासियों की अनुसूची 5 और 6 को लागू की जाए। कॉमनल हारमोनी और भाईचारा, कॉमनल हारमोनी स्थापित हो। इन तमाम मसलों को लेकर 6 और 7 तारीख को देश भर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं और आ रहे हैं, और जितने साथी सुन रहे हैं उन सबसे आग्रह भी है कि 6 और 7 तारीख को आप अगर आसपास हो, चाहे जहां कहीं भी हो, इन मुद्दों पर आपकी सहमति है तो आप कम से कम आएँ, वहां अपनी बात रखें और लोगों को सुने भी, और इस मुद्दे को सेंसिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से ये सरकार बेच रही है सार्वजनिक संस्थानों को, इसका मतलब है कि जो SC ST OBC है उसके आर्थिक रीढ़ को तोड़ रही है, कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहले सौमेंद्र से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ब्रीफ करें। तो तमाम मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, और उम्मीद है कि आप लोग हमारी आवाज़ हर घर पहुँचाएंगे। साथियों, दिनांक 6-7 दिसंबर को न्याय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, और ये आयोजन क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि इस देश में समय समय पर इस देश की मनुवादी व्यवस्था से बनी हुई सरकार बहुजनों के अधिकारों से हकमारी करती है और करते आ रही है। तो जो हमारा पहला मुद्दा है जातिगत जनगणना, सर ने अभी आपको बताया है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस देश में भेड़ बकरी जानवरों पक्षियों की जनगणना हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान रहता है जो OBC है, उसकी आज तक जनगणना नहीं हुई 1931 के बाद में। क्या वो इस देश का इंसान नहीं है? क्या वो इस देश का वोटर नहीं है? लेकिन इसके बावजूद भी ये वोटर के लिए वो अगर इसे वोट लेना है तो बस इस देश का ये हिंदू है, इस देश का नागरिक नहीं है या भारतीय नहीं है। EWS रात भर में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, रात में, दूसरे दिन संसद में इसको पास कर दिया जाता है। जब आप बताइए कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी नहीं मिल रही है, इसलिए इस देश में जातिगत जनगणना ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा जो मुद्दा मेन हमारा अहम मुख्य मुद्दा है, बैलेट पेपर से
सर ने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा और इसमें बैलेट पेपर से क्यों, क्योंकि अभी फिलहाल में हिमाचल में जो चुनाव हुआ है और वहाँ चुनाव आयोग के द्वारा कुछ कर्मचारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इस क्यों किया गया, क्योंकि ईवीएम किसी प्राइवेट गाड़ी में मिली, या फिर आप देखते हैं समय समय पर कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा धांधली हो ही रही है। और हिमाचल में क्यों सस्पेंड किया गया, वो मशीन जो ईवीएम मशीन है वो कहीं एक प्राइवेट गाड़ी में मिली, क्यों मिली, इसलिए तो किया गया। इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन से हेर फेर होता है, कन्फर्म है, इसलिए हमें बैलेट पेपर से चुना। और दूसरी बात है कि मेरा वोट है तो मैं भी तो डिसाइड करूं कि मैं वोट कैसे करूं, तो ये चुनाव आयोग इस बात को समझे और बैलेट पेपर से चुना हो। फिर बात है 6 दिसंबर ही क्यों, तो आदरणीय साथियों 6 दिसंबर इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर को जब बाबा साहब 26 अरलीपुर रोड पे उनका महापरिनिर्वाण होता है, तो बाबा साहब को के पार्थिव शरीर को यहाँ पर जगह नहीं दी जाती, दिल्ली के अंदर उनके पार्थिव शरीर को जगह नहीं दी जाती और उन्हें महाराष्ट्र मुंबई भेजा जाता है। आप सोचिए कि बाबा साहब जो हमारे मसीहा है, इस देश के संविधान के शिल्पकार हैं, उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में जगह नहीं मिल रही है और उन्हें महाराष्ट्र की सीमित किया जा रहा है, और उनको महाराष्ट्र की सीमित करने के लिए यहाँ पर मनुवादी सोच रखने वाली कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब को मुंबई भेजा। अगर बाबा साहब की समाधि दिल्ली में होती तो मैं गर्व के साथ और पूरे उम्मीद के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये दिल्ली का नज़ारा और कुछ अलग होता। इसलिए पूरे देश के लोग दिल्ली में 6 दिसंबर को बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए शामिल हो रहे हैं। और बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें, क्या है कि 2-3 मुद्दे हैं जिसमें एक रिजर्वेशन भी एक मुद्दा है बड़ा जो रह गया इस सर की सूचना में। आप देखिए कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 पोस्ट पर पॉलिटिकल साइंस में NFS जैसा लगा दिया गया है, रिजल्ट में नहीं है तो मतलब नहीं है। ऐसे ही हंसराज कॉलेज में एक ST पोस्ट पर मामला आया है, ये सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक SC पोस्ट पर मामला आया था, ये सारे रिजर्व कैटेगरी पर ही सीटें नहीं भरी जा रही या इंटरव्यू अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रहा, या 50-50 60-60 पार्टिसिपेंट या कह सकते हैं कि जो शोधार्थी रिसर्चर शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं उनके होने के बाद भी ये पद नहीं भरे जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि कितनी ज़्यादा व्यवस्था बायस्ड है। एक तरफ सरकार कह रही है, सरकार के जो मुखिया कह रहे हैं कि हम OBC हैं, और दूसरे तरफ OBC सीटें विश्वविद्यालय में नहीं भरी जा रही हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग। और कौन लोग उड़ा रहे हैं, क्यों उड़ा रहे हैं, इसका कोई जवाब की कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर भी बात होनी है वहाँ पे। दूसरा क्या है कि जैसे ठेकेदारी की व्यवस्था है, एक तरफ सरकार पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन जोरों पर लागू करवा रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि उसमें किसी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था नहीं है। स्वाभाविक है वहाँ जितने एम्प्लॉई भरे जा रहे हैं वो सारे खास वर्ग या क्षेत्र या कह सकते हैं व्यवस्था वाले लोग हैं, जो जिनके पहले से लोग वहाँ हैं वो पैठ बना के अपना काम करवा रहे हैं। तो ये जो डी ग्रेड को या सी ग्रेड की नौकरियों को ख़त्म करके, और एक जो कह सकते हैं कि संविधान ने अधिकार दिया था कि इक्वलिटी के तरफ लोग बढ़ रहे हैं, समानता धीरे धीरे पाने के लिए एक जो आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए वो मिल रही थी, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि जैसे जैसे समृद्धि आएगी वैसे वैसे लोग शिक्षा की तरफ बढ़ेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेगा, मांग करेगा, आवाज़ उठाएगा। तो ये आवाज़ बनी ना पाए इसके लिए शिक्षा से ही इनको वंचित कर देना है, अर्थव्यवस्था में इनको हिस्सेदारी नहीं देनी है। तो इन चीज़ों को लेकर के जगह जगह विरोध होता रहा है। इस बार हम लोग एक केंद्रित स्थान खोजे हैं, रामलीला मैदान। अब जानते हैं परिवर्तन कामी जगह है, वहाँ से बहुत सारे परिवर्तन की आवाज़ें उठती रही हैं। एक बार बहुसंख्यक समाज का भी ये महान्याय अधिकार जो सम्मेलन है वहाँ होने जा रहा है, 6 और 7 दिसंबर को आप लोग ज़रूर आएँ। अगर इन मुद्दों से इन व्यवस्थाओं को बदलने में कहीं भागीदारी लगता है कि आपको करनी चाहिए तो आपको वहाँ उपस्थित होना चाहिए, और इससे ज़रूर बदलाव आएगा। कुछ आ सकते हैं, न्योता बहुत लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन आप सब जो युवा हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे लीडर तो वही होते हैं जी। क्योंकि पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि सोशल एक्टिविस्ट यही ज़्यादा मोर्चा संभालते हैं,
तो खुला मंच है, जिनको आना है आए, कुछ लोग को अप्रोच किया गया है लेकिन आए, और ये बात सिर्फ रामलीला ग्राउंड में नहीं, संसद में मामला ये उठे कि सिर्फ आना जरूरी नहीं, इसको डिफरेंट फोरम्स पे जहाँ जो लोग हैं वहाँ पे इस मुद्दे को उठाएं, ये जरूरी। चल रही 8 साल से आप खुश रहें, आपके साथ न्याय हो गया तो मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर लगता है कि न्याय नहीं हुआ है तो न्याय महारैली जो है ना प्रासंगिक है। हमें लगता है कि 8 वर्षों में न्याय नहीं अन्याय ही ज़्यादा बढ़ा है, कि ये तो कह रहे हैं बार बार ये आवाज़ उठ रही थी किसी के लिए तो 14 में आज़ादी आई, और बार बार आवाज़ 70 साल में क्या हुआ क्या हुआ, तो भाई 70 साल में क्या हुआ तो कांग्रेस वाले बताएंगे, लेकिन हम तो एक सवाल तो पूछेंगे ही कि आखिर जो बेच रहे हैं ये बनाया किसने था, ये बीजेपी का बनाया हुआ है, RSS का बनाया हुआ है, कि विदेश से लेके यहाँ बेच रहे हैं। तो जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, नोटबंदी से आप खुश हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, CANRC हुआ खुश है मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन लोग सड़कों पे आए हैं ना किसानों के सवाल पर, किसानों का भी मुद्दा है, ट्राइबल्स अभी तो चलिए एक ट्राइबल समुदाय की एक राष्ट्रपति है, लेकिन ट्राइबल्स पे क्या अत्याचार इस देश में हो रहा है कौन नहीं जानता है, उसकी खबरें नहीं आ रही है छत्तीसगढ़ से। तो हमें लगता है कि न्याय नहीं हुआ अन्याय बढ़ा है, सार्वजनिक संस्थानों के बिकने का मतलब है कि वहाँ से रिजर्वेशन ख़त्म, और रिजर्वेशन ही ख़त्म नहीं है बलकि जो बहुसंख्यक जमात है SC ST OBC और नौकरी नहीं मिलेगी तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, और अर्थव्यवस्था कम आपका रीढ़ तोड़ेगा कमर तोड़ेगा और आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं और इस पर तो देशव्यापी आंदोलन करने की ज़रूरत है। हम लोग की ओर से एक प्रयास है कि 6-7 तारीख को वहाँ पर लोग आएँ जुटें और अपनी बात रखें, हम सोलिडरिटी में आएँ, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला बायस्ड है भाई, उसमें क्या कहना है, EWS गैर संवैधानिक कहने में क्या दिक्कत है, और उस पर रिव्यू पिटीशन भी डला है अभी, तो अब फुल बेंच में हो, पूरे देश के सामने बहस हो भाई, कोई दुनिया भर में कोई अगर पॉलिसी बनता है तो एक रूल है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो है उसका डेटा इकट्ठा करेंगे, कमीशन बैठाएंगे, रिपोर्ट देगी, पार्लियामेंट में बहस होगा, तमाम डिबेट्स होंगे उस EWS में, कोई डिबेट बहस हुआ, कोई आंकड़े आए, कोई कमीशन बैठा, किसी ने मांग की, कोई सड़क पे आया, कोई आंदोलन हुआ, तो आप 24-48 घंटे में आपने ओवरनाइट पास कर दिया, और जजों ने जिस तरह का निर्णय दिया उस पर तो आपत्ति है, और वो इसलिए रिव्यू पिटीशन भी डला है। ये मामला अभी ख़त्म थोड़ी हुआ, तो बढ़ेगा अभी, हो सकता है कि आने वाले समय में ये राजनीतिक मसला भी बने। यही नहीं, उसमें एक चीज़ और ऐड करने लायक है कि EWS जो 10% दिया गया है उसके सरकार के पास कोई सर्वे का आधार है, 10% क्यों, 50% क्यों नहीं दे दिए, 20% क्यों नहीं दे दिए, 2% क्यों नहीं दिए, उनके पास जितने आरक्षण जो लागू हुआ, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट बनी है, जो भी पहले व्यवस्था रही है उसका एक आधार है, वो जातीय जनगणना 1931 के आंकड़ों को आधार बना करके ये व्यवस्था लागू की गई। आज जो EWS की व्यवस्था लागू की गई उसके पास कोई आधार है, कोई जायज डेटा है जिसके आधार पर आप कह सकें कि नहीं 10% लोग हैं, वो 2-3 क्यों नहीं हो सकते और वो 20-50 क्यों नहीं हो सकते। तो असली जो समस्या है कि इन पर क्या बिना आधार के कोई व्यवस्था आप लागू करते हैं और उसे न्यायालय भी जायज ठहरा देगा। क्यों ठहरा देता है, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होके हो गए हैं, वो इसी का पार्ट है, उनको हाँ में हाँ मिलानी है, बात खत्म हो गई। तो चलिए दोस्तों, 6 और 7 दिसंबर रामलीला मैदान में सुबह से ये कार्यक्रम है, हम लोग वहाँ पे रहेंगे, आप सब भी आइए, और जितने साथी सुन रहे हैं और ये YouTube के माध्यम से जितने साथी सुनेंगे वो सब आएँ और वहाँ पे देखें, और इसके पक्ष में, न्याय के पक्ष में आप ज़रूर शरीक हों। आप सबका शुक्रिया।